हेलो फ्रेंड, हाय, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, प्रिया रियल लाइफ स्टाइल ब्लॉग में। और ये देखिए, मैंने शाम में जो है अपना बिस्तर सही से मतलब कि लगा के और रख दिया है, और फिर मैं अब बनाती हूँ चाय। और आदर्श के लिए दूध गर्म कर दिया है, ये मैंने अपना चाय बना लिया है। चाय बनाने के बाद और ये देखिए, सुबह का है, क्लिक किया, नए साल के दिन का। और ये मैं बना रही हूँ पकोड़े, आलू फूल गोभी और प्याज साग का पकोड़ा, उसके साथ चटनी बनाऊंगी। तो अभी लाइट यहाँ पे कट हो गई है, ये देखिए मैंने प्याज साग का भी तैयार कर लिया है पकौड़ा। अब मैं इसे भी बना दूंगी, और बनाने के बाद जाके ये देखिए, इसको मैं धीरे धीरे आँच पे बना रही हूँ, नहीं तो ये अंदर से कच्चा रह जाता है, इसके आलू और फूल गोभी। मैं इसे धीरे धीरे बना लेती हूँ और निकाल लेती हूँ इसे प्लेट में। इसे प्लेट में निकाल लिया है, और इसके साथ मैंने चटनी और चटनी चाय और प्याज साग की पकौड़ी भी बना के रख लेती हूँ। और आ जाइए आप लोग गर्मा गर्म पकौड़े और चाय और चटनी खाने। और सबको हाय, और सॉरी एक बात कहना भूल गई, सबको हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आपका साल बहुत अच्छे से बीते। ये इस साल के तो कोरोना के मारे सब बुरा हाल हो गया सबका। अब देखिए, अब मैं सब लोग पकौड़ा वकौड़ा खा ओके, और फिर सब काम मैंने बर्तन वर्तन धो माज के सब रेडी करके, उसके बाद जाकर मैं फिर बना रही हूँ मटर पनीर। तो मटर पनीर के लिए मैंने पनीर तो ऐसे कट करके रख लिया है, और मटर जो है मैंने इसका छिलका उतार के और इसको मैं थोड़ा सा तेल में फ्राई कर लूँगी, क्योंकि मटर तो आता है पनीर के साथ, लेकिन मुझे वो वैसे दिन में जिस टाइम में मटर नहीं मिलता है उस टाइम में मटर वो बनाती हूँ, ये वाला मटर तो इस दिन में मैं यही मटर ले आती हूँ। मैंने उसको फ्राई कर लिया है, और यहाँ पर तेल डाल दिया कढ़ाई में, और उसमें जीरा हींग और तेज पत्ता डाल के, और इसको मैंने, और उसके बाद जाके इसमें लहसुन अदरक प्याज हरी मिर्च का पेस्ट बना के इसको मैं फ्राई कर लूँगी। अच्छे से फ्राई करने के बाद फिर इसमें मैंने मटर को जो है इसको फ्राई करके हम निकाल लिया है। और देखिए, मैंने टमाटर का भी पेस्ट बना के रख लिया है। जब ये हरी मिर्च लहसुन प्याज अदरक का पेस्ट जो है तैयार हो जाएगा, भून के गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, तब इसको मैं ऐड करूँगी। ये देखिए, मैंने मिक्स का पेस्ट तैयार कर लिया है। अब ये मेरा जो है लहसुन अदरक और प्याज का पेस्ट जो है अब ये गोल्डन ब्राउन होने चला है। ये जब हो जाएगा गोल्डन ब्राउन, तब जाके इसमें मैंने टमाटर और उसमें ऐड कर दूंगी। और टमाटर की प्योरी को जो है मैंने प्लेट में निकाल लिया है, और इसमें मैं ऐड करूंगी धनिया पाउडर। ये रहा धनिया पाउडर। धनिया पाउडर के बाद मैं इसमें ऐड करूंगी हल्दी पाउडर, और हल्दी पाउडर डालने के बाद इसमें मैं ऐड कर दूंगी थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और ये पनीर के मसाले। और फिर मैं इसको कढ़ाही में डाल के उसी लहसुन अदरक प्याज के पेस्ट में जब वो भून जाता है, तब उसमें उसे भी डाल के इसको भी मैं फ्राई कर लेंगे हम लोग, इसको भी भून लेंगे। ये भी जब पकने लगेगा तब जाके देखिए आप। और हम लोग कहीं घूमने नहीं गए, क्योंकि एक तो बहुत ठंड थी, और उसके बाद जाके कोरोना के का भी बहुत ये है, और लोग तो कोई मान नहीं रहा है, लेकिन फिर भी अपने से जितना हो सकता है
अपनी बचाव करता ही है। ये देखिए मैंने इसमें ऐड कर दिया है, अब इसको भी हम अच्छे से पकाएंगे और जब ये पक जाएगा तब मैं उसमें प्याज अरे पनीर और मटर डाल के ऐड करूँगी। ये देखिए ये जब हमारा पक जाएगा तब इसमें से जो है तेल अलग होने लगेगा। ये हमारा पकने चला, अब पक ही गया है, थोड़ा सा और टाइम लगेगा क्योंकि पनीर में क्या होता है खोल मसाले अच्छे से फ्राई कर लो फिर जाके पनीर बनने में ज़्यादा देर नहीं लगता है। और दो चार लोग थोड़ा और लोग आ गए हैं इस मारे में और रेसिपी आपके साथ नहीं शेयर कर पाई हूँ तो इसके लिए सॉरी। ये देखिए ये मटर मेरा ज़्यादा था सो मैंने अलग निकाल कर रखा। अब इसमें ऐड कर देंगे हम नमक, नमक ऐड करने के बाद फिर इसको हम चला लेंगे। इसको हम नमक को अच्छे से मिला लेंगे इसमें। इसे मिलाने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे मटर और पनीर। इसमें मटर और पनीर ऐड करने के बाद हम इसको भी मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके इसमें हम पानी डाल देंगे। पानी डाल के 5-7 मिनट इसे हम पका लेंगे। और इसमें थोड़ा सा घर का फ्रेश मलाई हो तो वो भी इसमें ऐड कर दे, बहुत अच्छा टेस्ट आता है सो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और ये देखिए मैंने उसे अब ढक दिया है। अब इसमें आटा छान लेते हैं, आटा छान के और इस आटा को हम लगा लेते हैं अच्छे से और इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ दीजिए। देखिए हमारा पनीर जो है अब बन के तैयार हो चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे धनिया पत्ता और इधर मैंने पूड़ी के लिए कढ़ाई चढ़ा दिया है और इसमें ऐड कर दिया है धनिया पत्ता। धनिया पत्ता ऐड करने के बाद फिर मैं इसे गैस को कर देंगे बंद और आज की वीडियो भी हम यहीं पे करते हैं एंड। तब तक के लिए बाय बाय बाय।